हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम चल रहे हैं फजलगंज का ओवर ब्रिज से नीचे उतर रहे हैं गोविंदपुर की तरफ, और आप लोगों को बाईपास जो है बर्रा बाईपास वहां तक का पूरा दिखाने वाले हैं। तो चल रहे हैं यहां से, अब नीचे की तरफ देख सकते हो ये यहां पे गौरव फर्नीचर और जो भी यहां पे है आप देख सकते हो। नीचे अभी मैं उतर रहा हूँ, यहाँ पर एक शोरूम भी है शायद होंडा का है, और यहाँ से निकल रहे हैं अभी। ये होटल दीप है और अभी क्या है, हम यहाँ से निकल रहे हैं। सामने आप देख सकते हो जो है नो एंट्री लगा दी इधर से, तो अपना क्या है अपना तो निकाल लेते हैं इधर से। और अभी हम आ चुके हैं गोविंदपुर के जो है गोविंदपुरी का जो चौराहा है वहाँ पे, इसके आगे जो पड़ने वाला चौराहा है यहाँ से बस करीब 50 मीटर पे ही होगा, वो है नल्लाल चौराहा। तो सामने आप देख सकते हो कुछ इस तरह से जो है चौराहा है, थोड़ा ट्रैफिक वगैरह का रहता है। सामने हम लोग चलेंगे सीटाई चौराहा, अगर आपको जाना है तो राइट साइड जाइए और करीब 1 किलोमीटर है, बाईपास सामने पड़ जाता है। तो चल रहे हैं हम बाईपास तक चलेंगे और वहीं से हम निकल जाएंगे, और जो दीपेंद्र भाई हैं वो अपने घर की तरफ निकल जाएंगे। साथ में दीपेंद्र भाई भी हैं, तो ये देख सकते हो ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा रहता है कानपुर में। एक्चुअली क्या है, रोड जो है रोड पे भी बहुत सारे जो लोग अपनी जो है शॉप्स लगा देते हैं, उसकी वजह से भी ट्रैफिक हो जाता है। साथ में ट्रैफिक जो रूल्स हैं उनका लोग पालन बहुत कम करते हैं। अपना देख सकते हो, ये देखो कहाँ पे बैठ दिए, आके सिग्नल नहीं है फिर भी आके बैठ दिए। तो ये सिस्टम है, इसकी वजह से थोड़ा जो है ट्रैफिक ज़्यादा लग जाता है। अब ये देखो आगे आ गया एक और, तो ये है कुछ ऊपर देख रहे हो कैंपस का जूता कितना बड़ा है। तो इस तरह से बैंड लगा हुआ है ऊपर, और भाई साहब ये देख सकते हो ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं, ये लो। तो फिलहाल अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, और ये है कुछ इस तरह से जो है गोविंद नगर। और देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे बहुत सारी जो है शॉप्स आपको देखने को मिल जाएंगी। यहीं पे ठग्गू के लड्डू का जो है एक आउटलेट्स भी है, तो आओगे अगर आप तो यहाँ पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अभी हम आ चुके हैं नंदलाल चौराहा, ये नंदलाल चौराहा है। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस समोसे की दुकान है जिसे मुन्ना समोसा बोलते हैं, जो कि गोविंदपुरी जो गोविंद टावर की तरफ रोड गया है, ये गोविंद चौराहा की तरफ, ये इधर पे अगर राइट साइड पे जाते हो मेरे तो पहुँच जाओगे सिटी आई, अगर लेफ्ट साइड पे जाओगे तो जो है गोपाला चौराहा बोलते हैं, गोविंद चौराहा नहीं गोपाला चौराहा बोलते हैं, तो वहाँ पे दिया हुआ है। तो अभी क्या है, चल रहे हैं आगे, और अभी आप देख सकते हो व्यू वगैरह जो कुछ इस तरह से है, और ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा रहता है। अब ये देख सकते हो गाय रोड पे घूम रही हैं, एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं इसीलिए इनका। तो ये ठेला वगैरह देख सकते हो रोड पे लगाए हुए हैं लोग, और गाड़ियाँ भी खड़ी कर देते हैं, तो पार्किंग का भी नहीं है लेकिन फिर भी लोग गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, इसकी वजह से क्या है ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो अभी हम आगे हैं, बंधन बैंक है मेरे राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर जो है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पम्प है, और सामने का व्यू आपके सामने आप देख सकते हो कैसा लग रहा है कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। और अभी क्या है, हम निकल रहे हैं और आप लोगों को भी दिखाते चल रहे हैं, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देते हैं। इस रोड की एक खासियत ये है कि जो मूर्तियों का काम होता है इस रोड पे होता है, तो अगर आपको मूर्तियां लेना है किसी भी टाइप्स की मूर्ति हो तो आप इसी रोड पे आ जाइए, यहाँ पे आपको बहुत सारी जो है मूर्तियाँ देखने को मिल जाएंगी। तो बाईपास सामने ही दिया हुआ है, और अभी हम आ चुके हैं, ये देख सकते हो कुछ इस तरह से व्यू देखने को मिल रहा है। और अभी हम जो है थोड़ा लोकेशन आप लोगों को बता देते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं फिर आपको दिखा देते हैं। ये देख सकते हो ये कुछ इस तरह से है, और अभी हम आ चुके हैं जहाँ से मूर्तियाँ बनना शुरू हो जाती हैं वहाँ पे। तो मेरे राइट हैंड साइड पे सारा मूर्तियों का काम होता है, किसी दिन अगर आप बोलो तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि किस तरह से जो है मूर्तियाँ बनती है और किस तरह से जो कारीगर लोग हैं वो मूर्तियाँ बनाया करते हैं। तो अभी है हम आ गए हैं यहाँ पे चौराहा है, अगर जूही कलान जाना है आपको तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड से जाना पड़ेगा, सामने बाईपास, और अगर आप राइट साइड पे जाओगे तो आप शास्त्री चौक पे जाके पहुँच जाओगे। तो ये कुछ इस तरह से है, तो आप देख सकते हो मैं पूरी जो है लोकेशन आप लोगों को दिखाता चल रहा हूँ, साथ में बताता भी चल रहा हूँ कहाँ पर क्या है क्या नहीं। और व्यू वगैरह तो बादल वगैरह है तो उसकी वजह से थोड़ा ठीक ही लग रहा है, ज़्यादा ख़राब नहीं है, और टाइम भी है तो करीब 4-5 बज रहे हैं, तो थोड़ा जो है लाइट का तो वही रहता ही है भाई, अपने पास तो ऐसा कोई तो है नहीं है कि लाइट का जो है। अभी यहाँ पे जो है एक शोरूम निकल गया है, मोटरसाइकिल का ही शोरूम था, और अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे, और ये देख सकते हो कुछ इस तरह से व्यू है। और अभी क्या है कि यहाँ पे एक पराग डेयरी है जो बहुत ही पुरानी डेयरी है कानपुर की, पराग डेयरी का ऑफिस भी है इसी रोड पे,
तो जिन लोगों को नहीं पता है तो उन लोगों के लिए जानकारी दे दूँ कि पराग जो है डेयरी, उसका भी ऑफिस जो है, यानी कि पराग जो डेयरी है वो भी यहीं पे है, इसी रोड पे। दोस्तों बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मेरे वीडियो जो है रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं, उसका रीज़न है कि अभी मैं वीडियोस जो है शूट करने बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, बिकॉज थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, मनी प्रॉब्लम समझ लीजिए या फिर आप कुछ भी समझ लीजिए उसकी वजह से। और एक ये मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया था, सोचा आप लोगों को दिखाते चल रहा हूँ, अगर जा रहा हूँ यहाँ से, थोड़ा काम था इसकी वजह से आया हुआ था और मैंने शूट कर लिया था। बाकी जो है शायद बहुत ही जल्दी जो है वीडियो और भी शूट हो गए। 17 तारीख को शाम 5 बजे मोती झील में जो है सौरभ द्विवेदी जी आ रहे हैं, द ललन टॉप के ओनर, शायद हो सकता है तो देखते हैं कुछ तो आपको दिखाएंगे, उधर पे जाएंगे। और अभी क्या है, सोच रहा हूँ जोमेटो पे वर्क करूँ, तो जोमेटो पे ही वर्क करना शुरू कर रहा हूँ, और अभी कानपुर में जब तक रहूँगा तो जोमेटो पे ही वर्क करूँगा। तो अगर आप लोगों को कुछ भी जो है वीडियो देखना पसंद लगे जोमेटो के, तो मैं वो बनाने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा कि मैं कहाँ पे कैसे डिलीवरी कर रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो ये कुछ है सी, और अभी हम आ चुके हैं, ये चौराहा है और यहीं पे है पराग डेयरी, मेरे राइट हैंड साइड पे जो है पराग डेयरी है, और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स है मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, बहुत ही फेमस है यहाँ पे। और अभी यहाँ से जस्ट सामने आप अगर देखोगे गौर से तो जो है ओवर ब्रिज देखना शुरू हो गया है, क्योंकि हम बहुत ही निकट आ गए हैं ओवर ब्रिज के। और यहाँ पे मैं तो ऐसे आता रहता हूँ, जैसे कोई भी हॉस्पिटल का काम रहता है यहाँ पे जो है एक्सरे वगैरह करवाने के लिए हम लोग आते रहते हैं यहीं पे, आगे चौराहा पे ही उनकी शॉप्स है, शॉप्स क्या है हॉस्पिटल है ये समझ लीजिए, तो यहीं पे आते रहते हैं। और अभी हम आ चुके हैं बिल्कुल चौराहा पे, और यहीं से हम जो है वीडियो को भी ख़त्म कर देंगे। तो वीडियो कैसा लगा है आप लोगों को कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, एक ये छोटा सा वीडियो बनाया है अपडेट देने के लिए। और यहीं से नवस्ता जो है आप देख सकते हो 1.25 किलोमीटर है, तो ये है कुछ इस तरह से पूरा बाईपास तक का सफ़र। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखें।